Hello students, good morning. I am a science teacher from Sriram Academy High School and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subject for science for class 10th. This is a series of lessons for class 9th, that is on chapter number 1, that is chemical reactions and equations. So students, in the last lessons we learned about the two types of reactions, that were combination reaction and decomposition reaction. In this particular lesson, we will be learning about the displacement reactions and double displacement reactions. So, student, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, displacement reaction, displacement मतलब placement में place करना, मतलब कहीं रखा हुआ है, displace करना मतलब उसको वहां से move करना या हटाना या उसको उस जगह से substitute कर देना, change कर देना उसकी जगह, तो यही मतलब होता है displacement का. तो displacement reactions होती क्या है? ऐसी reactions जिनमें क्या हो, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे या फिर रिमूव कर दे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे. दोस रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ये इसकी डेफिनेशन है. अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज जैसा कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, वैसे ही ये कोई एग्जांपल नहीं है. ओके, तो डोंट टेक इट एज एन एग्जांपल, इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस. जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है ए बी, एक एलिमेंट है रिएक्ट कर रहा है सी से, क्या दे रहा है, सी बी एंड ए दे रहा है. क्या हुआ यहां पर, ए की जगह यहां पर ये आकर बैठ गया. कौन आकर बैठ गया, सी. सी क्यों आकर बैठ गया, कोई किसी की जगह कब ले पाता है, जब वो थोड़ा सा मजबूत होता है या स्ट्रांग होता है या फिर क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है. ध्यान रखेंगे, जब भी कभी कोई एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है और उसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है. मतलब यहां पे हम कह पाएंगे कि एलिमेंट सी इज मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट ए, दैट्स व्हाई इट रिप्लेस्ड इट फ्रॉम AB compound, okay, and formed CB. It replaced the A from the its compound, क्योंकि वो ज़्यादा reactive है, okay? So example है, example is कि यहाँ पर आपने एक reaction करानी है, हमने class 9th में reaction कर चुकी है. Copper sulfate when react with iron, iron के साथ जब वो react करेगा तो क्या form करेगा? It will form ferrous sulfate या फिर iron sulfate. एंड कॉपर क्या होता है, आयरन नेल आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, उसमें जैसे ही आप डिप करेंगे क्या होगा, आयरन रिप्लेस कर देगा कॉपर को उसके सॉल्यूशन से और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा और उसके चारों तरफ क्या इकट्ठा हो जाएगा, ब्राउन कलर का कॉपर एक्युमुलेट हो जाएगा. इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सॉरी, अब बात ये आती है स्टेट्स क्या होंगे, ठीक है ना. सॉलिड स्टेट है आयरन, ठीक है, एक्वस स्टेट, यहां पर भी ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये भी एक्वस स्टेट हो जाएगा, ये भी ये क्या मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा, ठीक है. तो आयरन ग्रे कलर का होता है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है. आयरन सल्फेट जो नया है, नया सॉल्यूशन बनेगा, पहले सॉल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू, जैसे ही आपने आयरन डाला, आयरन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, फेरस आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट किस कलर का है, ग्रीन कलर का है, ठीक है. एंड कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का दिखने लगेगा उसमें, तो देयर इज अ चेंज इन कलर, तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन यहां पर हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज द सेकंड एग्जांपल, दैट इज जिंक, एंड जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर. सेम रिएक्शन है, नथिंग डिफरेंट हियर, बट व्हाट इज द डिफरेंट, कि यहां पर जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर किसमें चेंज हो रहा है, इट इज टर्निंग कलरलेस. ओके, कॉपर का सॉल्यूशन है यहां पर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये क्या बन रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है. जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना देता है. ओके, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल इज लेड रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड. कॉपर क्लोराइड से जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड बनाएगा एंड कॉपर बनाएगा. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ओके,
फोर्थ एग्जांपल है, सो यहां पर कॉपर रिएक्ट करेगा किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विच इज कलरलेस एंड फॉर्म्स अ ब्लू कलर कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ओके, गिविंग आउट सिल्वर फ्रॉम इट. व्हाई? बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, दैट्स व्हाई कॉपर रिप्लेस्ड सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. सो वी कैन से दैट मोर रिएक्टिव एलिमेंट, more reactive element replace less reactive element. Okay, next is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था यहां पे, सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन यहां पे कौन से होंगे, दो डिस्प्लेसमेंट होंगे. देयर विल बी टू डिस्प्लेसमेंट टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विद एक्सचेंज ऑफ आयंस. आयंस आपको पता है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ चुका है, आयंस आर चार्ज्ड स्पीशीज. ओके, तो ये आपने पढ़ चुकी है चीज, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा इसमें, ठीक है, तो फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स. वहां पर दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और दो नए कंपाउंड बनाएंगे. ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. जैसे मान लीजिए ये एक हमने डमी रिएक्शन ले रखा है, डमी रिएक्शन इज जस्ट अ एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, नॉट अ रियल एग्जाम्पल, ठीक है. यहां पर ए बी एंड सी डी अगर रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड है ए बी एंड रिएक्ट विद सी डी गिव्स सी बी एंड ए डी. क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, ए बी में ए था और सी डी में सी था, इन दोनों ने अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर ली है. यहां पे क्या बन गया सी बी, यहां पे क्या बन गया ए डी बन गया. इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कौन सा है. इन योर बुक देर इज रिएक्शन इन एक्टिविटी, that is reaction between sodium sulfate and barium chloride. Sodium sulfate solution is reacted with barium chloride solution, it gives barium sulfate and sodium chloride, but one thing is to be noted that one compound will come up as a solution but another will come up as a precipitate. What is precipitate? Precipitate is the insoluble solid substance formed in a reaction. ये ध्यान रखेंगे, मैंने कल भी बताया था precipitate क्या होता है. It is the insoluble substance formed in a chemical reaction which does not dissolve in the solution. जो भी solution बना है उसमें वो dissolve नहीं हो पाता है, इसलिए वो बाहर ही रह जाता है, separate out हो जाता है, ठीक है, और settle down हो जाता है at the bottom of the बीकर और द रिएक्शन कंटेनर. इसीलिए इसको डाउनवर्ड एरेशन शो करते हैं. जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा इट विल बी इट्स फिजिकल स्टेट विल बी सॉलिड एंड इट्स एरो इज शोन डाउनवर्ड्स. ओके, गैस के फॉर्म में क्या होता है, गैस को रिप्रेजेंट करते हैं जब, तो इफ इट इवॉल्व्स इट इज शोन बाय एन अपवर्ड एरो. ओके, सॉलिड में क्या होता है, जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो डाउनवर्ड एरेशन शो करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड रिएक्शन. यहां पर जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या फॉर्म होगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, दैट इज व्हाइट कलर पीपीटी फॉर्मेशन एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर्म होगा. अब बात यह आती है, सर ठीक है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है लेकिन इसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा, तो दिस रिएक्शन आर नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन. एनी रिएक्शन इन विच an insoluble solid called precipitate is formed that separates out from the solution is called as precipitate reaction. तो आपको ये ध्यान रखना है precipitate reactions क्या होती हैं and double displacement reaction का definition ऊपर ही लिखा हुआ है. I think these reactions are clear and यहाँ पर अब next हम बात करेंगे oxidation and reduction reactions की in our next classes. Okay, thank you.